आगामी 3 जून को आयोजित होने वाले संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए गोरखपुर में कुल 29 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 4,500 परीक्षार्थी अपनी किस्मत की आजमाइश करेंगे। ये बातें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में एक बैठक में तय की गई। इस तैयारी बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, उनके अलावा एडीएम सिटी रवीश चंद्रा, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया सहित सभी केंद्रों के अध्यक्ष और प्रधानाचार्य शामिल थे। आपको बताते चलें कि कुल 29 केंद्रों पर यह परीक्षा पहली पारी में 9:30 बजे और दूसरी पारी में 2:30 बजे आयोजित की जाएगी। परीक्षा को नकलविहीन एवं उसकी शुचिता को बरकरार रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है। इसी के संबंध में इस बैठक का आयोजन किया गया था। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा कि परीक्षार्थी समय के पूर्व ही केंद्रों पर पहुंच जाएं और अपने पास नवीनतम आईडी रखें। इस बारे में उन्होंने आगे बताया, जो आपका सिटिंग प्लान है ये प्रॉपर होनी चाहिए, 4 के गुणांक में न रहे, जो आयोग का निर्देश है उसके क्रम में ही हो और जो डिस्प्ले उसका जहां जहां करना है विवल तरीके से हो, हर कक्ष के बाहर उसके जो है कमरे का दीवार है उस कक्ष पे भी उस कक्ष का प्रॉपर सिटिंग प्लान कर लिया जाए, बाकी जो अभ्यर्थियों को देखने में कोई असुविधा ना हो। अभ्यर्थियों के द्वारा जो सामग्री लाई जाती है, चाहे किताब हो, मोबाइल, ये सब जमा करने के लिए विधिवत तरीके से क्लासरूम बन जाए, डेडिकेटेड कोई कर्मचारी वहां तैनात हो जाए, खास करके जो मोबाइल जमा करेगा उसका कूपन दे करके उनको जमा कराए, ताकि कोई भी अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के आपके जो है कक्ष में परीक्षा कक्ष के अंदर प्रवेश न कर पाए, इसमें भी सावधानी बरतनी है। जो सचल दस्ता बनाए होंगे वो बीच बीच में जो है भ्रमण करते रहे, तो वैमान सीट आप जो बांटेंगे क्वेश्चन बुकलेट जो बांटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बुकलेट सीक्वेंस में बढ़ता है, वैमान सीट सीक्वेंस में नहीं बढ़ता है, जो अभ्यर्थी उपस्थित रहता है उसको आप बांटते हैं, लेकिन क्वेश्चन बुकलेट जो एक सीक्वेंस में चलता है उसके साथ बांटने के बाद जब आप अटेंडेंस करते हैं, दो जगह जो अटेंडेंस कराते हैं, बस निरीक्षकों को जरूर बता दें उसका जो है प्रवेश पत्र देख करके, रोल नंबर देख करके, उसका बुकलेट देख करके, बुकलेट की सीरीज क्या है, बुकलेट का जो क्रमांक क्या है, ये सब पूरा विवरण देखने के बाद वही पर्टिकुलर वैमार में विलंब किया है कि नहीं किया है, इसका मिलान करने के बाद उस वैमार सीट पे जो कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर करें, मेरे हाथ में आ गया नहीं आ गया ये कक्ष निरीक्षक जरूर काउंट कर ले और केंद्र व्यवस्थापक को जब जमा करेगा वहां भी उसको काउंट करके उसको देगा, और जो केंद्र व्यवस्थापक जो 100-100 की जो पैकेटिंग है उसको पैकेटिंग करने के बाद उसको करेंगे, लास्ट वाला जो पैकेट रहेगा वो 100 से कम का रहेगा। जो आयोग करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा सर आपसे वचन के रूप में कुछ मार्गदर्शन देने का करें सर, इसमें केंद्र व्यवस्थापक भी है सर, समन्वय पर्यवेक्षक भी है सर, सभी केंद्र व्यवस्थापक और वो टीचर है वो जो एग्जाम में स्टेक होल्डर्स है एग्जाम में जितने लोग साथ हैं सीबीएसई उसके पर भी बीच में जो और तमाम एग्जाम जितने केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का, यूनिवर्सिटी का है, कहीं भी, लेकिन इसका वजह यही है ताकि टेक्नोलॉजी इतने बढ़ गया है, मान लीजिए एक सेकेंड में एक आदमी फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे करते हैं, रहे जितने भी मैटर थे वो सब का एक ही सेकेंड में एक आदमी इंपोर्ट सेंटर पूरा व्यवस्था कि ये टेक्नोलॉजी का कितने खतरनाक बना करके हम लोग के सामने आया है, इससे उन लोग भी चिंतित थे। यूपीएससी का चेयरमैन साहब मिश्रा साहब को हम सभी डीएम जो कहा था जनपद में होता है सभी डीएम को बुला के यहाँ गोरखपुर की सेंटर है, हमेशा सेंटर रहा पहले भी रहा, यहाँ 19 सेंटर है, यूपी सेंटर है, करीब 14,500 लोग एग्जाम देने वाले हैं, सबको ई कार्ड गाड़ी हो गया, इस बार 2-3 व्यवस्था आधुनिक व्यवस्था किए हैं वो आपको ठीक कराने के लिए जो बताया गया है जरूरी समझना होगा, ताकि इस बार तो हर सेंटर में लो इंटेंसिटी जैमर लगे बेल कंपनी के माध्यम से लगेगा, इसलिए लगा कि ताकि वो मोबाइल डिवाइस के जरिए से
सरकारी कॉलेज के जरिए से संबंधित होता है, उसी की वजह तो फायदा लेते हैं। तो जो लो इंटेंसिटी जैमर आपको कल से लगभग दूर हो जाएगा, कल से हुई है गाड़ी को लगाई के लिए साथ साथ एक चीज भी आपको सुनिश्चित करना होगा ताकि आपको मोबाइल भी काम नहीं करेगी, इसलिए सारे सेंटर में लैंडलाइन आप सही करा दीजिए। यूपीएससी एग्जाम है, लोक संघ आयोग का एग्जाम है ये, इस परीक्षा कहलाया जाता है, सिविल सर्विस परीक्षा कहलाया जाता है। 29 केंद्र गोरखपुर में है, करीब 14,500 बच्चे एग्ज़ाम देंगे उस पर। उसको तैयारी के लिए हम लोग समीक्षा किए थे, उसके क्वेश्चन पेपर तो हम लोग को पहुंच गया है, स्ट्रांग रूम में है, उसको तो समय के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन पेपर पहुँचा देंगे। और अभी मौसम भी थोड़ा बदला हुआ है, इसलिए तो वहाँ का व्यवस्था के भी हम लोग एक बार रिव्यू कर रहे हैं ताकि बरसात के मौसम में वो जो परीक्षा रीति का कोई नुकसान ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। बाकी पानी व्यवस्था, शौचालय इत्यादि बेसिक सुविधा होता है उसको हम लोग गारंटी की तरफ मीटिंग लिया है, बाकी सारे सुविधा हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। सर अभी इतने कुछ निर्देश है तो परीक्षा में शामिल होंगे परीक्षार्थी का, ये बस निवेदन मैं करता हूँ। अब परीक्षा का पहले जैसे नहीं है, आप परीक्षा 9:30 बजे सुबह पाली, दूसरी पाली उसका 2:30 बजे है, बट आपका 10 मिनट पहले अंदर पहुंचना होगा। आप लेट होंगे तो फिर आपका परीक्षा अलो नहीं करेंगे परीक्षा लिखने के लिए, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ 9:00 बजे आप सेंटर में सुबह पहुंच जाइएगा। और दोपहर का 2:00 बजे की परीक्षा है, आप कम से कम, तो 2:30 बजे की परीक्षा है, कम से कम 2:00 बजे पहुँचना चाहिए। उसके लेट आएंगे तो फिर नुकसान आपको ही होगा। आपसे निवेदन करता हूँ जो आईडी आपके पास है ओरिजिनल आईडी लेके आएंगे, जो प्रिंटआउट निकला हुआ वो, और समय से पहुँच जाएँ। सुबह 9:00 बजे सुबह पाली का, दोपहर का 2:00 बजे पहुँच जाएँ दूसरे पाली का।